तो फाइनली एप्पल का लॉन्च इवेंट हो जाता है सक्सेसफुली एंड लॉन्च करते हैं 3 नए प्रोडक्ट जो कि आपको इंडिया में देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं सारे प्रोडक्ट्स के रिलेटेड नई खबरें क्या आती है, मतलब क्या यहाँ पर नए फीचर्स देखने को मिलते हैं एंड कितना ह्यूमन बॉडी यहाँ पर बेचना पड़ेगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, कोई डिटेल्स मिस ना हो। लेट्स गो। तो रात के 10:30 बजे यहाँ पर इवेंट हुआ, मैं तो यहाँ पर इवेंट देखने में गेम खेल रहा था भाई। तो इवेंट होने के बाद मैंने पूरा इवेंट को फिर से एक बार देख लिया, तो 1 घंटे का लगभग इवेंट हुआ था। एंड वर्चुअल इवेंट्स में क्या कुछ यहाँ पर मेरे को इतना इंटरेस्टिंग सा नहीं लगा, ठीक कुछ कुछ ऐसा फीचर्स थे जो काफी ऐसे इंप्रेसिव से लगे। डिजाइन में थोड़ा सा क्या पूरा यहाँ पर सिमिलर देखने को मिलता है आईफोन 12 से रिलेटेड। तो चलिए सबसे पहले प्रोडक्ट जो लॉन्च करते हैं वो आईपैड मिनी। आपको आईपैड मिनी देखने को मिलता है जिसका रिजोल्यूशन समथिंग 8.3 का है एंड वहां पर आपको रेटिना डिस्प्ले जोर से प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है, नैरोएस्ट डिस्प्ले कर दिया। थोड़ा सा यहाँ पर बोल सकते हो एप्पल जो है वो अभी बेजल्स टू बेजल्स काम करने का सोच रहा है। तो एप्पल का जो आईपैड मिनी था तो वहां पर थोड़ा सा अपडेट हो गया, आपको वही साइज में थोड़ा बड़ा डिस्प्ले प्रोवाइड कर दिया है एंड वहां पर आपको टच आईडी देखने को मिलता है। प्लस डिस्प्ले का ब्राइटनेस उन्होंने थोड़ा 500 nits का कर दिया। कैमरा जो 12 megapixels का आगे पीछे दोनों तरफ प्रोवाइड कर दिया। कैमरा में थोड़े फंक्शनलिटीज बढ़ा दिए। तो आईपैड मिनी में आपको A15 बायोनिक चिप जरूर से प्रोवाइड कर दिया। 5G कनेक्टिविटीज आपको जरूर से प्रोवाइड कर दिए। वाईफाई एंड सेलुलर ये दो ऑप्शन आपको प्रोवाइड कर दिए आईपैड मिनी में एंड इसकी प्राइस होने वाली 46,900 rupees। तो आईपैड मिनी के टाइप सी कनेक्टर से आप बहुत कुछ काम कर सकते हो, जैसे कि DSLR कैमरा से आप जो है फोटो जो शेयर कर सकते हो, आपका लैपटॉप जो है कनेक्ट कर सकते हो या फिर आप बोल सकते हो डेस्कटॉप कनेक्ट कर सकते हो। USB टाइप सी एक काफी पावरफुल आप बोल सकते हो डेटा ट्रांसफरिंग पोर्ट बन जाता है, तो इसके चलते आप बहुत कुछ अच्छी एक्टिविटीज आप जरूर से कर सकते हो। स्टाइलस पेन जो है उनका एप्पल का पेन है जनरेशन 2nd का, उससे आप कुछ भी ड्रॉइंग्स वगैरह निकाल सकते हो, आर्टिस्ट वगैरह के लिए काम आएगा। पाम साइज में आपको पावरफुल परफॉर्मेंस जरूर से प्रोवाइड कर दिया है। परफॉर्मेंस इंक्रीज होता है A15 बायोनिक चिप यहाँ पर यूज्ड है, जी हाँ जाहिर सी बात है काफी पावरफुल परफॉर्मेंस आपको गेमिंग्स में आप बोलो आईपैड मिनी में देखने को मिलने वाला है। बैटरी परफॉर्मेंस सिमिलर आपको देखने को मिलती है, ज्यादा कुछ यहाँ पर चेंजेस नहीं करते। टच आईडी वगैरह सब कुछ यहाँ पर दिया है, 12 megapixels का कैमरा खत्म हो जाता है यहाँ पर आईपैड मिनी। एंड अभी बात करते हैं एप्पल वॉच सीरीज 7 का, तो उसके रिलेटेड मैंने वीडियोस बना दिया, तो सिमिलर आपको वही वॉच देखने को मिलता है, थोड़ा बड़ा डिस्प्ले, थोड़ा राउंड एजेस यहाँ पर, सिरेमिक शील्ड्स का आपको डिस्प्ले प्रोवाइड कर दिया। एप्पल के जो भी आपका प्रोडक्ट्स है उसमें सिरेमिक शील्ड्स यहाँ पर प्रोवाइड कर दी, जिसकी मदद से आपको स्क्रैच प्रूफ स्क्रीन देखने को मिलती है। एंड एप्पल वॉच सीरीज 7 में आप जो हार्ट रेटिंग सेंसर, ऑक्सीजन सेंसर जो सब कुछ देख सकते हो एंड मल्टीपल एक्टिविटीज आपको प्रोवाइड कर दिए एंड एक शॉक प्रूफ एक्टिविटीज आप बोल सकते हो, जैसे कि आप गिर गए अचानक से साइकिलिंग करते करते तो आपका जो है वो एप्पल डिटेक्ट कर लेता है कि आप गिर गए एंड वो एक बार चेक करता है, आपको बता देता है कि SOS मतलब इमरजेंसी को कॉल करना है, यानी आप गिर गए मर गए तो वो भी आपको बता देगा एप्पल का वॉच सीरीज 7 में। एंड ज्यादा कुछ यहाँ पर इंटरनल चेंजेस नहीं है, बिगर डिस्प्ले यहाँ पर, उसके चलते आप जो टाइप वगैरह भी कर सकते हो, जो भी मैसेज है वो आपको एक ही इसमें डिस्प्ले में पूरा देखने को मिलता है। कस्टमाइजेशन का ऑप्शन जरूर से प्रोवाइड कर दिया एप्पल के वॉच विजिट्स में। वॉच सीरीज 7 में मेरे को ज्यादा कुछ ऐसे इंप्रेशन सा नहीं जमा, सिर्फ 18 आवर्स की बैटरी ओल्ड डे पूरा देखने को मिलता है। चार्जिंग अडेप्टर्स का मैग्नेटिक चिप देखने को मिलता है, आप जो वॉच को चार्ज कर सकते हो, लेकिन सिर्फ 18 आवर्स का बैटरी बैकअप कुछ पता नहीं यहाँ पर। वॉच सीरीज 7 में आपको 41mm 45mm के डायमीटर्स वाले वॉच देखने को मिलते हैं। स्टार्टिंग प्राइस होने वाले $399 एंड जो सेलुलर डेटा के साथ आने, सेलुलर कनेक्शन के साथ आने, उसका प्राइसिंग है $499 एंड वॉच सीरीज 6 जो है वो डिसकंटिन्यू कर दिए, तो आपको कोई नया वॉच सीरीज 6 देखने को नहीं मिलता, जो आपके पास पड़ा है वही, या फिर आप वॉच 7 ले सकते हो। तो एप्पल के इवेंट्स में हमें यहाँ पर एप्पल फिटनेस भी देखने को मिलता है, जो कि इंडिया में यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा, जाहिर सी बात है पता नहीं क्यों, लेकिन बाकी के सभी 16 या 18 कंट्रीज में आपको देखने को मिलता है, लेकिन इंडिया में नहीं प्रोवाइड करते, तो उसकी बात छोड़ ही देते। तो अभी बात करते हैं मेन जो अवेटेड मोमेंट्स होता है एप्पल का iPhone 13। तो एप्पल का iPhone 13 भी लॉन्च हो जाता है, उसमें आपको लगभग 4 मॉडल्स वही देखने को मिलते हैं, 13 mini 13 pro 13 pro max, ये सारे 4 मॉडल्स आपको देखने को मिलते हैं। 128GB से स्टार्ट होने वाला है, इसका प्राइसिंग जो है वो मैं एंड में बताऊंगा, लेकिन क्या कुछ चेंजेस है यहाँ पर आप बोल सकते हो, डिस्प्ले साइज जो है वो यहाँ पर आपको वही देखने को मिलता है जो आपको आईफोन 12 में प्रोवाइड कर दिया है, सिर्फ बेजल जो है वो जो नॉच था उसको थोड़ा नैरो कर दिया, थोड़ा छोटा कर दिया है। कैमरा जो है वो वही यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, सिमिलर 12 megapixels के कैमरा, ज्यादा कुछ यहाँ पर चेंजेस ना करते हुए। डिस्प्ले में आपको 120Hz का रिफ्रेश रेट जरूर से प्रोवाइड करते हैं, लेकिन वो प्रो के लिए ही है, आप बोल सकते हो आईफोन 13 जो है वो नॉर्मल आपको डिस्प्ले प्रोवाइड कर देता है, लेकिन प्रो में आपको प्रोमोशन देखने को मिलता है, जिसकी मदद से 120Hz का रिफ्रेश रेट जो है आप इंजिन्स के चलते, AI न्यूरल्स इंजिन्स के चलते जो है वो अडेप्ट कर लेता है कि बैटरी भी उससे बच सके, तो उस हिसाब से आपको रिफ्रेश रेट देगा।
तो एप्पल आईफोन 13 एंड 13 मिनी उसमें आपको डिस्प्ले साइज नॉर्मल से प्रोवाइड कर दिया है, सुपर रेटिना डिस्प्ले यहाँ पर देखने को मिलता है जिसकी ब्राइटनेस 800 नीट्स है। एंड एप्पल का मुझे ज्यादातर बेस्ट क्या लगता है, सिर्फ डिस्प्ले कैमरा, बाकी कुछ यहाँ पर परफॉर्मेंस से मेरे को लाता नहीं है। बस ये जो फील्ड है एप्पल का काफी स्ट्रॉन्ग है, डिजाइन में वही आपको देखने को मिलता है सिमिलर, लुकिंग में ज्यादा कुछ चेंजेस ना करते हुए। अभी बात करते हैं कैमरा में क्या चेंजेस होता है, तो कैमरा जो है वो 12 मेगापिक्सल के है, f/1.6 का लास्ट अपर्चर आपको देखने को मिलता है, मतलब वाइड अपर्चर जरूर से प्रोवाइड करते हैं जिसकी मदद से आप जो है डिटेलिंग्स जो लो लाइट इमेजिंग्स की काफी कैप्चर कर सकते हो। एंड सिनेमेटो मोड आपको देखने को मिलता है जाने की आप पूरा फिल्मी सा एक वीडियो बना सकते हो, 4K 60fps का जरूर से रिकॉर्डिंग आप कर सकते हो। सिनेमेटिक मोड मुझे यहाँ पर पसंद आया जिसकी मदद से आप जो है वो पूरा फोकस एडजस्ट कर सकते हो किसी भी ऑब्जेक्ट्स का ड्यूरिंग वीडियोस, ठीक है। यहाँ पर वीडियोस जब रिकॉर्ड होती है तभी आप फोकस जो है वो सेट कर सकते हो कौन से ऑब्जेक्ट्स पे कौन से पर्सन पे, एक सिनेमेटिक फील लाने के लिए आप जरूर से वो रिकॉर्ड कर सकते हो। वीडियो क्वालिटी 4K 60fps की काफी बढ़िया आपको रिकॉर्डिंग देखने को मिलती है। एंड इनबिल्ड आपको जरूर से वीडियो एडिटिंग का ऑप्शंस भी प्रोवाइड कर देते हैं एप्पल्स, तो वो कुछ नई बात नहीं है। तो कैमरा क्वालिटी भी काफी बढ़िया यहाँ पर कर दी है आपको, वाइड एंगल ज्यादा वाइड नहीं, यहाँ पर दुनिया यहाँ पर 178 डिग्रीज तक पहुंच गई है एंड अभी तक एप्पल 120 डिग्रीज पर ही अटका है, तो वाइड एंगल्स में इतना कुछ इंप्रेशन नहीं पड़ा है, बट ठीक है यहाँ पर एप्पल की क्लियरिटी सबको आप देखने मिलते हैं। लो लाइट इमेजिंग काफी बढ़िया है यहाँ पर एप्पल क्लियर कैच कर सकता है। तो ये होता है एप्पल 13 एंड 13 मिनी के बारे में। तो प्रो में आपको क्या ज्यादा देखने को मिलता है यहाँ पर स्पेसिफिकेशंस में, तो वहां पर भी आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, ट्रिपल 12 मेगापिक्सल के कैमरा, एक फ्रंट जो है वो और एक 12 मेगापिक्सल कैमरा, तो लगभग आप बोल सकते हो ओवरऑल जो है वो क्वाड कैमरा सेटअप आपको प्रोवाइड कर दिया है। एप्पल के प्रो एंड प्रो मैक्स का जो रेयर कैमरा है ट्रिपल कैमरा, उससे आप टेलीफोटिक लेंस जरूर से 6x तक जूम कर सकते हो, ठीक है। नॉर्मल आप बोल सकते हो क्लियर इमेज आपको प्रोवाइड कर दिया है, लो लाइट इमेजिंग सब कुछ आपको, सिनेमेटिक ग्राफिक्स सब कुछ देखने को मिलता है। एडिशन में क्या है बाकी सब कुछ नहीं, यहाँ पर कैमरा ऐड हो जाता है एंड डिस्प्ले साइज जो है 6.1 to 6.4 इतना बड़ा बन जाता है। बस HDR डिस्प्ले प्रोवाइड कर दिया जिसकी मदद से आप जो है प्रो में 100 नीट्स का ब्राइटनेस प्रोवाइड कर दिया एंड प्रो मैक्स में आपको 1200 नीट्स का ब्राइटनेस देखने को मिलता है, तो ब्राइटनेस यहाँ पर काफी बढ़ा दिए है। बाकी सभी परफॉर्मेंस में आपको सिरेमिक शील्ड्स वगैरह देखने को मिलती है, डिस्प्ले क्वालिटी में आप बोल सकते हैं IPX68 का प्रोटेक्शन जोर से प्रोवाइड कर दिया है। बैटरी बैकअप यहाँ पर एप्पल्स ने थोड़ी इम्प्रोवाइज कर दी है, ज्यादा कुछ नहीं, 1.5-2 घंटे का ही इम्प्रोवाइजेशन आपको देखने को मिलता है। A15 बायोनिक चिप जोर से प्रोवाइड कर दिए जिसकी मदद से आपको 5 कोर GPUs प्रोवाइड कर दिए ताकि गेमिंग आप अच्छे से खेल सकते हो, तो एप्पल की डिवाइस में गेमिंग भी एक पार्ट आता है कि काफी मस्त खेल सकते हैं। एंड आईफोन 13 के आपको मैग्नेटिक माउंट्स भी देखने मिलते हैं, मतलब आपको डिफरेंट गैजेट्स आप जरूर से यूज कर सकते हो, पीछे की तरफ एक्स्ट्रा बैटरी की तरह भी आप यूज कर सकते हो। तो ये कंप्लीट ओवरऑल हो जाता है एप्पल्स के प्रोडक्ट्स एंड उसमें आपको बहुत सारे कलर्स देखने को मिलते हैं, वॉचेस में आपको बहुत सारे स्टाइल्स देखने को मिलते हैं, आप जैसे यूज कर सकते हो आपके ऊपर है। प्राइसिंग्स भी यहाँ पर बता दिए है टोटल। अभी बात करते हैं आईफोन्स की प्राइसिंग्स क्या होने वाली है। आईफोन 13 एंड 13 मिनी स्टार्ट होने वाला है 79,900 रुपीज, 69,900 रुपीज, तो ये दोनों की कीमत हो गई। अभी प्रो एंड प्रो मैक्स की बात करते हैं, 119,900 रुपीज प्रो की होती है एंड प्रो मैक्स की होती है 129,900 रुपीज। सेलिंग कब स्टार्ट होने वाली है, 17th September से आप प्री ऑर्डर कर सकते हैं, 24 September को आपको जो सेल देखने को मिल जाएगा, मतलब आपका जो है प्रोडक्ट घर पे पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर सेट है, सितंबर में सब कुछ आप बोल सकते हैं एप्पल का स्टॉक खाली करने का टाइम आ गया है। एंड ये कंप्लीट ओवरऑल जो है एप्पल का इवेंट एंड इवेंट्स में ज्यादा कुछ यहाँ पर इंप्रेशन नहीं जमा है मेरे को, जो भी है वही सिमिलर आपको देखने को मिलता है, बस प्रोसेसर चेंज हो जाता है, कैमरा में थोड़ा अपडेशन आ जाता है, बाकी वही सब कुछ प्रोवाइड कर दिया है, तो ज्यादा कुछ इंप्रेशन नहीं है। लेकिन जिसके पास एप्पल फोन है ही नहीं तो जरूर से 13 ले सकते हो, आपके ऊपर है भाई, आपके पैसे आपकी नहीं। तो इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके पास कोई सवाल है तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो में सारे सवाल के जवाब देता हूँ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।